नमस्कार साथियों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, अभी आपकी नियमित जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होने जा रही है, तो आपको जब पढ़ाया जा रहा है, वीडियो जब आप देख रहे हैं, तो आपको नोटबुक लेके, पेन लेके अच्छे से बैठ के सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। और बुक सभी के पास होनी चाहिए, जो 9th क्लास से नेक्स्ट क्लास में अभी आए हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि बुक उनके पास हो, तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे और इसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बुक में है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, तो इसमें हम सबसे पहले मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट जो आपके एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट मेथड आपका है यूक्लिड लेमा थ्योरम। यूक्लिड लेमा, और कहीं पे इसको डिवीजन भी बोलते हैं, मेथड हिंदी में भी इसका नाम यूक्लिड विभाजन मेथड विधि है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपने डिवीजन वाला रूल पढ़ा होगा, सेम वही डिवीजन वाला रूल ही अप्लाई होगा। डिवीजन रूल आपने पढ़ा था कि डिवीजन रूल होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है। इसी बेस पे ये यूक्लिड लेमा थ्योरम है, जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे। यूक्लिड लेमा थ्योरम आपको याद रखना है, यूक्लिड लेमा थ्योरम से हम ओनली फॉर क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करेंगे। हमारा मोटो रहेगा कि हम इस थ्योरम को यूज करके किसी भी नंबर का, दो नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसमें हमें हमेशा दो नंबर ही देंगे जिनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखिए हम बात करते हैं इस थ्योरम की, तो इस थ्योरम में हम पढ़ेंगे, इस थ्योरम के लिए रूल है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जो यहां पे डिवाइडेड होता है, डिवाइजर की जगह b, क्यूसेंट की जगह q और रिमाइंडर की जगह r है, ये आपको ध्यान रखना है। a और b, यहां ध्यान रखना a की वैल्यू b से ज्यादा होगी, a की वैल्यू b से ज्यादा होगी। इसका मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में दो नंबर दिए हुए हैं तो उनमें जो स्मॉलर नंबर है वो b है और जो लार्जेस्ट नंबर है वो है a, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम डिवाइड रूल लगाएंगे और वहां से क्यूसेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। ए और बी यहां पे क्या है, ए और बी है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहां पे जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा, ऐसी कंडीशन जब आएगी जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो वहां पे जो ऑप्शन क्यूसेंट के जो मल्टीपल में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अभी मैं आपको इस थ्योरम को क्वेश्चंस बेस पे अपन स्टार्ट करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स पे कि यूक्लिड लेमा थ्योरम को हम कैसे, इसके द्वारा हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो दो नंबर है, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, दो नंबर है आपके पास 81 to 37, ये दो नंबर है। ऐसे दो नंबर आपको गिवन होंगे और आपको यूक्लिड लेमा थ्योरम से आपको फाइंड करना है इनका एचसीएफ। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था यूक्लिड लेमा थ्योरम का जो रूल है वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहां से इसको हम दो मेथड से करेंगे, एक डिवीजन मेथड जिसको हम ट्री मेथड भी कहते हैं, वो मेथड भी हम सीखेंगे, वो भी यूक्लिड थ्योरम से रिलेटेड है। अब देखिए यहां हमने पढ़ा था कि जो ग्रेटर नंबर है वो ए होता है और जो स्मॉलर नंबर है वो बी होता है, तो ये वाला नंबर है वो ए हो जाएगा 237 और बी हो जाएगा हमारा 81। अब यहां से हम पुट करेंगे, देखिए ए की जगह लिखेंगे 237, यहां हम लिखेंगे 81। अब आपको यहां चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई करें 81 को ताकि इसके अप्रोक्स आ जाए या फिर यही आ जाए,
तो 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप ताकि ये आ जाए, तो 81 की टेबल आप कितनी टाइम बोलेंगे, देखिए यहां से अपन 1 जा करेंगे तो 81 आएगा, 2 जा करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आएगा ये, इसको हम अगर 3 जा करते हैं तो ये, अब ये इससे ग्रेटर है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये ग्रेटर ज्यादा आ गया, तो यहां से हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा, तो हमारे इस फर्स्ट फॉर्म में क्यू की जगह क्या आया है, 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमाइंडर आर, तो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे आंसर आया 162, तो पीछे कितना रह गया वो हमारा, क्योंकि प्लस करेंगे वही हमारा रिमाइंडर है, तो देखिए 237 में से आप माइनस कर लीजिए 162, आंसर हमारा आ जाएगा 75, या हम करेंगे 75। इट मींस ये इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। अब आप देख लीजिए इनको मल्टीप्लाई करके 75 आप प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यहां जीरो नहीं आएगा तब तक हमें ये ऐसी प्रोसेस को करना है। अब देखो प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू करेंगे, इस प्रोसेस में जो यहां होता है ये वाला हमने सोल्व हो गया, ये जो होता है वो यहां आएगा, बी जो है अब ए बन जाएगा 81, और रिमाइंडर जो है वो बी बन जाएगा 75। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो हमारा आंसर आ जाएगा क्यू। अब देखिए इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा। अब 75 प्लस हम कितना करें ताकि ये क्या हो जाए 81, तो हमें पता है 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। अभी भी हमारे पास जीरो नहीं है, सेम प्रोसेस हम सोल्व करेंगे, 75 कहां आ जाएगा, ए के इस प्लेस पे, और रिमाइंडर जो है वो यहां आएगा 6 into। अब देखिए यहां से हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं ताकि हमारा 75 के अप्रोक्स आ जाए, तो देखिए 6 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 जा तो क्या होगा 60, 10 के ऊपर भी टेबल होती है 66 होता है, 72 भी होता है, 66 के बाद हमारा 72 भी आता है, तो हमारे पास 72 रहेगा, 72 कितने टाइम आता है 12 टाइम, कितना आया 72 इसके रखेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यहां से हमारा 3 आ गया। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास क्या है, ये वाला काउंट नहीं होता, हमारे पास ये वाला काउंट होगा, यहां लिखेंगे हम 6, और ये वाला बी की फॉर्म में आएगा 3, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो हमारा ये इक्वेशन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रह जाती है जब हमें 0 लाना है। अब जो बी की पोजिशन पे जो होता है, बी की पोजिशन पे यहां कितना 3, वो 3 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इस तरह से यूक्लिड लेमा थ्योरम को हम इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से करते हैं, डिविजन मेथड से सोल्व करते हैं, वही इसी का ही पार्ट है, अच्छे से समझने के लिए वो देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन हमारे पास यही है। अब देखिए कैसे करेंगे ट्री मेथड से, सबसे पहले आपको पता है हम बी यहां होगा, ए यहां होगा, ए यहां होगा, बी यहां होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर से हम छोटा नंबर डिवाइड करते हैं, तो यहां लिखेंगे 237, डिवीजन करेंगे 81 से। अब 81 की टेबल आप कितनी जगह बोलेंगे, अभी हमने पहले जो प्रैक्टिस की थी उसमें देखा था 2 जा बोलेंगे, 3 जा बोलेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, हम बोलेंगे 2 जा, 2 जा कितना आएगा 162, माइनस करेंगे 5 और 7, यहां तक ही करना है, एक स्टेप ही करना है। अब ये इससे ज्यादा हो, ज्यादा है या कम है, ये रिमाइंडर है वो इससे लेस है, जब लेस हो जाता है तो हमें क्या करना है, उसको वापस डिवीजन लगाना है यहां पे, और अब ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ठीक है 81। अब 75 को 80 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 75, इसको सोल्व करेंगे 11 में से 5 6, यहां से हमारा आंसर आया 6, 6 को डिवीजन करेंगे हम किससे, यहां जो प्रोसेस है वो यहां आ जाएगा 75। अब आपको एक बार स्टेप देना है तो 75 से पहले क्या आएगा इसकी टेबल में, 12 जा कौन आएगा 72, माइनस करेंगे हमारा 3 बनेगा, वापस डिवीजन करेंगे जो यहां होता है 6, कंप्लीट डिवाइड होगा 2 बार 6, रिमाइंडर इज 0, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा आंसर हो जाता है, तो किसको HCF हमारा कितना आएगा 3, क्योंकि हमने जिससे डिवीजन किया है वो 3 है, ठीक। इस तरह से हमने ये ट्री मेथड किया। एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं फास्ट ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। HCF फाइंड होता है, याद रखिए लेमा थ्योरम ओनली फॉर HCF फाइंड होता है, जबकि प्राइम फैक्टर मेथड से हम HCF और LCM दोनों फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल है, जैसे हमने ये क्वेश्चन ले लिया,
इस क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से करते हैं, तो देखिए 32 से डिवाइड करेंगे 616, स्टेप बाय स्टेप दो स्टेप में भी कर सकते हैं आप, तो फर्स्ट टाइम देंगे इसका कितना आएगा 32, नेक्स्ट करेंगे अगर 2 से करते हैं 64 आएगा, इसलिए हम 1 जा लेंगे, कितना आएगा हमारा 11 में से गए तो 9, यहां बचेगा 5 में से 29, नेक्स्ट हम करेंगे 6। अब 32 की टेबल हम कितनी जा बोले ताकि ये 9 जा देख लीजिए, 9 जा कितना होता है यही आएगा, 10 जा तो 320 हो जाएगा, तो हम 9 जा कितना लेंगे यही लेंगे, तो देखो 9 जा लगाएंगे कितना आएगा हम 288, सोल्व करेंगे 16 माइनस 8 ही आएगा आंसर। अब यहां से अभी तक रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो हम 8 की टेबल ये वाला नंबर आ जाएगा यहां पे, अब इसको डिवाइड किससे करें, 4 जा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 8। आप उसको उसी मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने अभी इसका यूज किया था, ये भी लेमा थ्योरम है ट्री मेथड में, और उसमें क्या डिफरेंस है क्योंकि इसमें हम ट्री मेथड्स करते हैं, ये भी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, वो भी हमारे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से आज हमने यूक्लिड लेमा थ्योरम पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज हम चलेंगे। धन्यवाद। Tell me why I'm falling, oh, let's go.